नमस्कार दोस्तों दोस्तों बस थोड़ा सा खर्चा और लाखों का फायदा। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आप घर तो बना लिए नया घर, उसमें दिमक भाई साहब अटैक कर दिए तो आपको सब चीज़ को खा जाएगा। यहाँ तक कि दिमक जो है, जो लकड़ी लगाए हैं दरवाज़ा खिड़की, वो खा जाएगा। जितने भी लकड़ी का आइटम है सबको वो घुन लगा कर खाते जाएगा, कुछ बचाव नहीं कर सकते उसके बाद। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट कागज पत्र है आपका घर में, किताब है, उसको भी खाना शुरू कर देगा। तो ऐसा बस थोड़ा सा तो खर्चा है, आपको लाना है फ्लोरिंग से पहले इसका ATT एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर देना है, जिससे क्या है कि भाई आपका घर में दिमक कभी अटैक ही नहीं करेगा। तो हम आपको बताएंगे इसका छोटा सा प्रोसेस, बताएंगे कैसे करते हैं और कितना खर्च पड़ेगा करवाने में, वो भी बताएंगे। और आप सोचेंगे इतना में हो जाएगा, तभी जाके हम कर देते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम प्रोसेस जान लेते हैं कि अगर आप अपने घर में ATT करवा रहे हैं तो उस समय क्या करना। तो कोशिश कीजिए कि भाई कि बैक फिलिंग में जो है ऊपर का लेयर में आप बालू भरिए, जिससे क्या कि बालू देने से क्या फ़ायदा होता है ना, कि आपका ना तो उसमें एंटी टर्माइट और ना ही जो रेट होता है वो आपका होल बना पाएगा। होल नहीं बनाएगा तो फिर आपके घर में अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका जो है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ठीक है यार, क्या हो जाता है, इसको हम लोग ATT भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये रहा ATT। तो हमें बैक फिलिंग में याद रखना है, बैक फिलिंग जो करेंगे हमें क्या करना है, सैंड फिल करना है। अब हमें 3 इंची कम छोड़ देना है DPC लेवल से। फिर क्या करेंगे, यहाँ ज़रा देखिएगा कि हर एक फिट, जैसे मेरा ये फ्लोर का एरिया हो गया, हर एक फिट पे होल कर देंगे, सब जगह से एक फिट रहेगा। होल करके अब ये जो आप यहाँ टर्मिनेटर देख रहे हैं, आप टर्मिनेटर यूज़ कर सकते, मार्केट में बहुत सारा बना एंटी टर्माइट का। अब टर्मिनेटर हमें आप मैं यूज़ किया तो उसके बारे में दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटर का जो है इसका रहता है, ये 5 लीटर का आपको ख़रीद लेना है, और 5 लीटर जो मिक्स होगा पानी आपका पर लीटर 50, 250 लीटर पानी में आपको ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स करना है, याद रखिएगा। ठीक है, 5 लीटर वाला को 250 में मिक्स करना है, और पूरा जो है आप होल करके रख दीजिए करके, और उसमें जो है हर एक में 2 मग आप पानी डालते जाए, ये केमिकल डालते जाइए, 2-2 मग, जिससे क्या है कि भाई आपका जो है ये प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर भर जाता है तो कोई देने 2 मग देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भरता है तब जो है 2 मग दीजिए। और वो कितना उस सावल से जो है होल करना है, ठीक है, हर एक फिट में, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं वीडियो में। तो 2 मग, 2-2 मग आपको जो है उसमें पानी केमिकल देना है। अब इसकी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कितना का आएगा। तो ये जो आप टर्मिनेटर लेंगे तो टर्मिनेटर का जो प्राइस पड़ता है, 5 लीटर का प्राइस पड़ेगा आपका 2000 रुपये के आसपास, ठीक है, ये केमिकल का प्राइस हो गया। और तीसरा जो है मैन पावर जो हम लगाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आप एक कुली को लगा दीजिए होल करने के लिए, और एक कुली चाहे मिस्त्री को लगा दीजिए आप जो है ये केमिकल डालने के, मिक्स करके डालने के लिए, हाँ सेफ्टी के साथ कीजिएगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं दोनों मिला करके जो है 1000 रुपया, 1000 रुपया जो है 2 हेल्पर, इतना हो गया। तो हमें जो है इसको करने में, अगर जितना भी एरिया यहाँ पे जो है, अगर हम मान लिया जाए कि जो मैं करवाया वो 2000
स्क्वायर फीट के एरिया में है, तो इसको करने में के लिए जो है हमें कितना लगा, टू दो दिन लगा, तो 1000 × 2 कर देंगे तो 2000 आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से टोटल जो अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, तो टोटल जो कॉस्ट पड़ा ये ATT कराने का, टोटल कॉस्ट पर ATT तो 2000 प्लस 2000 केमिकल का, 2000 आपका मैन पावर का, 4000 में आपका जिंदगी भर का सुरक्षित हो गया है ना दोस्तों, कमाल की चीज़ बताइए। या यही 4000 मत बचा लीजिएगा, घर बना रहे थोड़ा सुरक्षित बनाइए ना, टर्माइट से भी जो है अटैक ना कर सके। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में जो सब क्लिक कर देगा उससे बेनिफिट बस होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।